हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा फ्रॉम शिवास किचन। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपके लिए हरियाली चिकन टिक्का बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाता है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ इस तरीके से हैं। मैंने 200 ग्राम्स चिकन के क्यूब्स लिए हैं और इसको कट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट, ये हरी धनिया का पेस्ट, ये मैंने फ्रेश मिंट का पेस्ट लिया है। इसको मैंने घर में कूटा है एक तरीके से, और आप चाहें तो इसकी जगह सूखा भी ले सकते हैं अगर ये आपके पास नहीं है तो, लेकिन इसको लीजिएगा ज़रूर क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा आती है हरियाली चिकन टिक्के के अंदर। गार्लिक का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट और ये कुछ सूखे मसाले हैं। अंदर 1/2 टीस्पून धनिया है जो घर में कूट के पीसी है। ये 1/2 टीस्पून पिसा हुआ भुना जीरा है। ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये मैंने 1 पिंच गरम मसाला लिया है और ये नमक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्ड। हमारा जितना भी टिक्का होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा कर्ड ही होता है। आप किसी भी तरीके का टिक्का बनाइए, उसका जो बेस होगा वो कर्ड होगा। तो चलिए फिर चिकन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट ऐड करें धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून कर्ड लिया है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट एंड 1/2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट। फिर मैं इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्च कूटी या पीसी है जैसे भी आपको सूट करे वो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि यही मेन चिली है जो इसके अंदर जा रही है। इसके अंदर रेड चिली भूले से भी मत डालिएगा, नहीं तो जो इसका हरियाली या ग्रीन कलर जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए ग्रीन चिली। फिर उसके बाद मैं 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर डाल दूंगी और फिर मिंट डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये इसके फ्लेवर के लिए है, एरोमा मज़ा सब आएगा। फिर सबसे लास्ट में जितने भी मसाले हैं सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको ऐसा लगे कि मसाला नहीं ऐड हो पा रहा है चिकन के अंदर या पानी ज़्यादा हो गया है दही में या ग्रीन चिली में किसी में भी, तो परेशान मत हो। बस उसके अंदर आप 1 टीस्पून से 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मिकदार उसी पे रहेगी जिस लिहाज से पानी है। 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे आपके मज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर मैं इसको बंद करके रख रही हूँ। मैं इसको 2 to 3 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि उसके बाद जो इसका मज़ा होता है बहुत ही लजीज और लाजवाब हो जाता है। आप चाहे तो 1/2 आवर के बाद आप इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर करिए कि आप इसको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रखिए। तो चलिए मिलते हैं 2 आवर्स के बाद। तो 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब चिकन को बैम्बू स्कीवर्स में लगाते हैं, और लगाने का तरीका ये है कि क्यूब को सीधे सीधे करके बैम्बू स्कीवर्स में लगाएंगे ताकि क्यूब चारों तरफ से सिक जाए। पैन में हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हीट करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा, ऑयल हीट इतना होना चाहिए कि बस उसके अंदर चिकन डालने पे चिकन जलने ना लगे, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसमें चिकन डालें तो पता चला ऑयल ठंडा हो। तो हमें मीडियम ऑयल हॉट करना है। तो ऑयल लगभग हो चुका है, देखिए मैं 1 by 1 करके इसके अंदर ऑयल इतना ही गर्म रखिएगा जितना आपको दिख रहा है। देखने से समझ में आ रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, और चिकन डालने के साथ गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। तो देखिए मैंने ये टिक्का पैन में डाल दिया है, अब बारी आई टिक्के को पलटने की। बहुत आहिस्ते पलटिएगा, देखिए ये बहुत बेहतरीन अंदाज से हो रहा है।
एक तरफ हो चुका है, मैंने इसको पलट दिया। और क्यूब्स में मैं इसीलिए बताती हूँ कि आप कट करिए टिक्का, कि आप उसको चारों तरफ से सेक सकते हैं जब भी आप क्यूब्स में कट करेंगे उसको। तो अगर बाहर से आप नहीं क्यूब्स में कट कर रहे तो मैंने जो तरीका बताया आप उस तरीके से इसको क्यूब्स में बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। तो बस ये इसी तरीके से होता रहे, अब मुश्किल 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे आपको दिख रहा है ये तीन तरफ से हो चुके हैं और इसी रंगत से टिक्के को बनाना है। आप कोशिश करिए कि इसको चारों तरफ से सेकिए, जो उस तरफ लगे नहीं हैं उस तरफ भी स्विच कर देते हैं। तो बस ये 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इंशाल्लाह ताला, खाने में भी वैसे ही है। और लास्ट साइड मैंने इसको स्विच किया और पीस अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितने गजब तरीके से ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हुए हैं जिस तरह से हमें बाहर मिलता है। बस अब हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, करते हैं इसको डिश आउट। तो तैयार है हरियाली चिकन टिक्का और करते हैं इसको डिश आउट। डिश आउट करने के बाद खाने का लुत्फ उठाते हैं। आप भी मेरे टिप्स के साथ अगर टिक्का बनाएंगे तो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।